अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो सर्दियों की सौगात है, बाजरे की टिक्की, जो आपकी फैमिली को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्याली हमने तिल लिए, इसको हम रोस्ट करेंगे हल्का सा, बिल्कुल मीडियम आंच में आप इसको फ्राई करिएगा। हल्की आंच में लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये देखें लाइट ब्राउन होगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक फ्राई पैन में हम 100 ग्राम गुड़ है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कर लिया है। और एक कप ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आज में इसको हम मेल्ट करेंगे। इसकी हमें चाशनी ने बनानी है, बस ये जब हमारा हल हो जाएगा पानी के अंदर गुड़, तो हम इसका आटा गूंद लेंगे। गुड़ हमारा बेहतरीन सा पानी के अंदर हल हो गया है, अब इसको हम छान लेंगे। ये ऊपर आपको गुड़ के अंदर जो ये कचरा सा नज़र आ रहा है वो छानने में सब निकल जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की सौगात है बाजरे की टिक्कियाँ। सर्दियों में आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए इसके अंदर जो हल्का सा कचरा है वो सब हम ज़ाया कर देंगे। बाजरे का आटा लिया है, वो जो हमने सिरप गुड़ का बनाया था पानी के साथ वो इसके अंदर डालेंगे और इसकी बेहतरीन सी डो बनाएंगे हम। आप थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करें। इसके अंदर जो तिल हमने रोस्ट किए थे तीन सौ ग्राम मैंने बाजरे का आटा लिया है, इसको मसल मसल के आप इसका आटा गूंदिएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सा आटा गूंद जाएगा। और एक चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का डालेंगे। हाथों में हल्का सा हम ऑयल लगाकर जितने साइज के आपको बाजरे की ये टिक्कियाँ बनानी है उतने साइज का आप दड़ा बनाएं। तो हाथ की से ही आप इसको एक हथेली पे रखें और एक हथेली से आप इसको अच्छी तरह प्रेस करते जाएं इसे, जैसे हम कबाब की टिक्की बनाते हैं। ऑयल गरम हो गया है, हम बाजरे की टिक्की इसके अंदर डालेंगे। अभी इसमें हम चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, एक से दो सेकंड हम इसको सीखने देंगे। माशाल्लाह बाजरे की टिक्की हमारी फ्राई हो गई है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह बाजरे की टिक्की तैयार है। आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात होती है। आप सर्दियों में बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।